हेलो बच्चों, हम पाठ 15 नौकर में गांधी जी के गुणों का बखान कर रहे हैं कि गांधी जी ने अपने जीवन में क्या क्या किया काम, तो उसके ऊपर ये पाठ है। क्योंकि तो उनके गुणों में आता है सेवा भाव। सेवा भाव में वो बताते हैं कि गांधी जी ने कुछ वर्षों तक आश्रम के भंडार में काम किया, उन्होंने भंडार को संभाला। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों ले लेते थे, क्योंकि साथी भी उनकी मदद करते थे। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का भी ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकत्ते पड़ गए थे, उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी जी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं, इसीलिए तुम्हें दिए गए हैं, क्योंकि तुम्हारा हाजमा खराब रहता है, इससे तुम्हारा हाजमा सही रहेगा, ठीक है। गांधी जी आश्रमवासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे, इस कारण से वे बेचारे उबली हुई चीज़ों को भी बिना कहे उनसे कुछ भी विरोध नहीं करते थे कि ऐसी बनी है, और खा लेते थे क्योंकि वो उन्हें खुद भोजन परोसते थे। और दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे। तो गांधी जी, आपको पता ही है, कितने सादा जीवन जीने वाले थे, तो वो सादा ही खाना बनाते थे। अगर वो किसी को परोस रहे हैं वो खाना, तो वो कोई बिना विरोध किए ऐसे का ऐसे ही खा लेते थे। तो यही उनका सेवा भाव था। इसके आगे हम अगले गुणों का बखान करेंगे। धन्यवाद।